हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल आर गुड, ऑल आर फाइन, दैट्स ग्रेट। तो नया लेक्चर आपके सामने आ गया। इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं टाइम एंड स्पीड। एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन के लिए, मजेदार कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएंगे श्योरली। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। ऑलराइट, कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आपके नोट्स और ट्रिक तैयार होते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं, शाबाश। तो गाइज आइए स्टार्ट कर देते हैं टाइम एंड स्पीड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप जान लीजिए टाइम एंड स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्वेश्चन रहेगा। देखिए, आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। राइट, ये बेसिक फॉर्मूला ही आपको सारे सवाल लगवाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम आपने लगाया, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है गाइज, तो गाइज आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है इसके अंदर, दैट इज कन्वर्जन। ठीक है, सपोज करो आपको स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। ऑलराइट, सपोज करो ये आपको दिया हुआ है कि एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई स्पीड है और आपको आंसर लेके आना है मीटर पर सेकंड में। तो आप ध्यान रखें, जितनी भी आपको स्पीड दी हुई है उसमें आप 5/18 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में निकल कर आ जाएगी। तो आप इसे ट्रिक नंबर 1 मान के नोट कर लें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आते हैं, आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी होती है, मीटर पर सेकंड में पूछ लेता है। या फिर इसका रिवर्स भी आता है, नंबर 2 का नाम दे देता हूं, आपको स्पीड दी हुई है एक्स मीटर पर सेकंड के हिसाब से और आपसे आंसर मांगा है किलोमीटर पर आवर में दीजिए। तो जो भी आपको स्पीड दी हुई है उसमें आप 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो, कट कट कट, यू विल गेट रिजल्ट इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दो बातें आप अच्छे से ध्यान रखें और इसको नोट कर लें कि किस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस। ओके, चलिए पहला न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 54, या मैं यहां पे लिख ही देता हूं कि आपको 54, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड दी हुई है। ओके, और मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बताओ, ये न्यूमेरिकल नंबर 1। एक न्यूमेरिकल मैं और यहां पर ले लेता हूं कि आपको 24 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड दी हुई है और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड कीजिए स्पीड, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर। तो ये दो न्यूमेरिकल आपके सामने। तो एज यू नो, आपको ट्रिक मालूम है कि अगर किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो भी दिया हुआ है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 1 18 3 15 मीटर पर सेकंड इज योर रिजल्ट। यानी जो 54 किलोमीटर पर आवर था उसका इक्वलेंट 15 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल, अगर आपको 25 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो अगेन आपको मालूम है इसकी ट्रिक कि जो भी दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल यानी 18/5 से काम करना पड़ेगा। 5 1 5 5 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकल के आ गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दो कन्वर्जन थे, आपको अच्छे से आना चाहिए एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, अदरवाइज ये नहीं भी आएगा तो क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये बातें याद रखें। चलिए गाइस ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं। ट्रिक नंबर 3 थोड़ा सा आप इमेजिन पहले कीजिए। सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, बीच में हो गई हमारी डिस्टेंस। ऑलराइट, कोई भी पर्सन या कोई भी व्हीकल अगर जाने में स्पीड उसकी एक्स किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड होती है, जो भी यूनिट होगी, और आने में उसी पॉइंट से, मतलब ए से बी जाने में और बी से ए वापस आने में उसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर अगर होती है, और अगर आपसे पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। तो आपको ध्यान रखना है जाने में समय और आने में समय, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ध्यान रखना डिस्टेंस फिक्स्ड है, स्पीड बदल रही है। तो एवरेज स्पीड जो होगी जाने आने में उसका फॉर्मूला होगा 2xy/x+y। तो दिस इज द ट्रिक नंबर 3 विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ऑलराइट, न्यूमेरिकल इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। चलिए जी, देखिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया।
इस पे लिखा हुआ है अ मैन कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी x की वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर मुझे दे दी गई है, ऑलराइट, एंड रिटर्न विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू मुझे दे दी गई 36 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट, देन एवरेज स्पीड क्या होगी होल जर्नी की, तो आपको मालूम है फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसके अंदर x और y डाल दो, x की जगह 24, y की जगह 36 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों को मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 60, काटा पीटी करूंगा तो आई विल गेट 28.8 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं गाइस ट्रिक नंबर 4 पर, ट्रिक नंबर 4 जरा समझते हैं हम लोग, दैट इज ट्रिक नंबर 4, ओके, समझना, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और हमें पहुंचना है बी पॉइंट पे, पहले आप एक सिनेरियो को समझें, ठीक है, मान लो एक बंदे ने यहां से लेके यहां तक गाड़ी को चलाया एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, फिर उसे रोड मिल गया खाली, और जैसे ही उसे रोड खाली मिला उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वाई किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है, फिर और भी कंजेशन हुई होगी या जो भी स्पीड बढ़ाई घटाई हमें नहीं पता, उसने फिर स्पीड बदल दी और वो हो गई जेड किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है कि बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए तीन तरह की स्पीड बदल रहा है, ठीक है, होता है ना, जैसे ट्रैफिक आता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, और ट्रैफिक खुला हो जाता है तो जैसे रोड हमें ओपन मिलता है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से तीन तरह की स्पीड उसने बदली। अब ये मुझसे मांग रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो क्या रही है ए से बी जाने में, तो उसकी ट्रिक आप ध्यान रखें 3, तीनों का मल्टीपल और नीचे आएगा कॉम्बिनेशन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज द ट्रिक, ओके गाइस, तो आप ध्यान रखें बिल्कुल तीन तरह की स्पीड यहां पे, डिस्टेंस हमारी ए से लेके बी तक है, दिस इज द फॉर्मूला, याद करने का, यहां पे 3 आएगा क्योंकि तीन तरह की स्पीड हो गई, तीनों का मल्टीपल और नीचे दो दो का कॉम्बिनेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, बिना न्यूमेरिकल के कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, राहुल कवर 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस, ओके 3 डिफरेंट था ना वो, ए से लेके बी तक था तो एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई, इसकी स्पीड अलग थी, इसकी स्पीड अलग थी, इसकी स्पीड अलग थी, ठीक है, तो डिस्टेंस भी अलग अलग हो गई और स्पीड भी, लेकिन डेस्टिनेशन तो पूरा यहां तक भी माना जाएगा। आगे देखते हैं ईच ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर एक्स की वैल्यू दे दी गई मुझे, 4 किलोमीटर पर आवर वाई की वैल्यू दे दी गई मुझे, और 8 किलोमीटर पर आवर जेड की वैल्यू दे दी गई। अब इसने कहा बताओ जी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यू नो द फॉर्मूला, व्हाट, 3 आएगा 6 × 4 × 8, ये हो गया एक्स वाई जेड, और नीचे आएगा इनके कॉम्बिनेशन 6 × 4 = 24, फिर इसकी इसमें होगी तो 32, फिर इसकी इसमें होगी तो 48, है ना, 6 × 8 = 48 होते हैं, और सॉल्व होके आएगा तो गाइस ये आंसर आपका रहेगा 5/7/13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने आंसर को लिखा हुआ है क्योंकि जब पूरा पूरा नहीं करता तो कुछ इस तरह से आंसर हमारा होगा, तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी तक आ गए, हम 5 कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। गाइस ट्रिक नंबर 5 आपके सामने आ गई है, अब देखो ट्रिक नंबर 5 जो आपके सामने है ना, पहले मैं बताऊंगा इसका न्यूमेरिकल, फिर मैं बताऊंगा इसका ट्रिक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आपके सामने आएगा तो आप विजुअलाइज कर पाओगे, सिनेरियो को सोच पाओगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इसने लिखा है अ मैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, यानी जितनी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी बंदा उसका 3/4 टाइम से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एंड रीच्ड द ऑफिस 20 मिनट लेट, और अपने ऑफिस वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। देखो 3/4 है तो 3/4 याद करो 1 से छोटा है, यानी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी उस स्पीड को ये 3/4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3/4 1 से छोटा है, स्पीड उसकी ओरिजिनल कम हो जाएगी, डिले हो जाएगा, तो वो ऑफिस लेट पहुंचेगा, जितना समय उसे लगना चाहिए था उससे ज्यादा समय ले लेगा, तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देन द ओरिजिनल टाइम टेकन टू कवर हिज डिस्टेंस, तो कितना समय लगना चाहिए असलियत में
उस डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब उसकी स्पीड यहां पर रिड्यूस हो गई तो वो 20 मिनट लेट हो गया। तो सवाल ये मांग रहा है कि वो लेट ना हो तो बताओ कितना समय लगना चाहिए था। तो देखो इसकी ट्रिक बनती है, इसको मैं बोल देता हूं एक्स अपॉन वाई इस रेशियो को, और इसको बोल देता हूं मैं टी। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू 3 हो गई, वाई की वैल्यू 4 हो गई, टी की वैल्यू हो गई 20। तो जब भी आपसे ओरिजिनल टाइम मांगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ओरिजिनल टाइम मांगे तो उसका फॉर्मूला देखो ये रहेगा टी, यहां पे आएगा एक्स और यहां पर आएगा वाई माइनस एक्स। दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि जब भी कोई बंदा अपनी ओरिजिनल स्पीड को चेंज करेगा इस रेशियो में, और ध्यान रखना यहां पे ओरिजिनल स्पीड घट रही है क्योंकि 3/4 1 से छोटा होता है, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स लेट ही होगा। तो कितना टाइम लगेगा उसे, मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था ओरिजिनली। तो दिस इज द फॉर्मूला, टाइम ये रहा टाइम, एक्स ऊपर वाली वैल्यू और वाई माइनस एक्स इन दोनों का डिफरेंस। तो जरा निकालते हैं, टी की वैल्यू कितनी है 20, एक्स की वैल्यू कितनी है गाइस 3, और वाई माइनस एक्स यानी 4 में से गया 3, 4 माइनस 3 मैं सॉल्व कर देता हूं, मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा अपॉन में 1 यानी 60 मिनट। इसका मतलब है उसे 60 मिनट लगने चाहिए थे लेकिन उसने 20 मिनट और लगा दिए तो वो 1 आवर 20 मिनट के अंदर पहुंचा, ऐसा भी कुछ पूछ सकता था। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, यानी पहले हमने न्यूमेरिकल को समझा, उसके बाद हमने ट्रिक बनाई, फिर हमने सॉल्व किया। ये सिनेरियो अच्छे से आप लिख लें, अपनी भाषा में लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और देखते हैं गाइस इसके ऊपर न्यूमेरिकल, बढ़िया सा। इसी का एक भाई बंधु और है, जैसे यहां 3/4 तो स्पीड को कर रहा था कम, अब इसका उल्टा देखते हैं। न्यूमेरिकल पहले लेता हूं फिर बनाएंगे ट्रिक, इसको नाम दे देते हैं ट्रिक नंबर 6 का। ठीक है, ये बोल रहा है इफ अ पर्सन क्या, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अ मैन इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 7/5, यानी एक बंदे ने अपनी स्पीड को 7/5 किया ओरिजिनल स्पीड का। ध्यान से देखो 7/5 ये 1 से बड़ा है, मतलब स्पीड में अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ऑफकोर्स स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, नो इश्यू। ऑफिस ओरिजिनल स्पीड रीच्ड हिज ऑफिस 20 मिनट बिफोर टी की वैल्यू 20, यानी अब की बार ये अर्ली है, ये बंदा जल्दी ऑफिस पहुंच रहा है, अच्छा बच्चा बन चुका है। ठीक है, ऑफिस हमेशा जल्दी ही पहुंचना चाहिए। बिफोर द यूजुअल टाइम, ओके द यूजुअल टाइम टेकन, तो बोल रहा है कितना असलियत में समय लगना चाहिए था लेकिन ये पहुंच गया जल्दी, तो बताइए। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, यहां आएगा टी, ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं एक्स अपॉन वाई, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ये हमारा टी है, यहां आएगा टी, यहां आएगा एक्स और नीचे रहेगा एक्स माइनस वाई। कुछ कुछ ट्रिक हमारी बिल्कुल सेम है, बस यहां पर थोड़ा सा फंडा बदला है, एक्स माइनस वाई, वहां वाई माइनस एक्स था। डालिए इसके अंदर आंसर, टी की वैल्यू जो हमारे टाइम लगा है, जो हम अर्ली टाइम पहुंचे हैं वो, एक्स की वैल्यू जो ऊपर है 7 और एक्स माइनस वाई, 7 में से गया 5 कितना आ गया 2, 2 से हुआ 10 यानी हमारा आ गया 70 मिनट, यानी 70 मिनट हमें लगने चाहिए थे लेकिन हम 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो ऑफिस हम कितनी मिनट में पहुंच गए जरा बताना, 50 मिनट के अंदर हम ऑफिस पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके सामने रहेंगे, तो जरा ध्यान रखना दोनों ट्रिकों को अच्छी तरह से समझ लो। मैंने पहले न्यूमेरिकल लिया है उसके बाद ट्रिक डेवलप करके आपको बताया, तो आप ट्रिक को अपनी भाषा में लिख के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। इस ट्रिक नंबर 7 देखिए, इसको भी न्यूमेरिकल की हेल्प से लेते हैं, हम पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं उसके बाद ट्रिक को समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कार इज 2:3, ठीक है, मतलब दो कार है, ये हमारी कार नंबर 1 है और ये हमारी कार नंबर 2 है, उनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है। ठीक है, ऑलराइट, देन टू कवर सेम डिस्टेंस द टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम विल बी व्हाट, मतलब टाइम का रेशियो क्या होगा, ये जो रेशियो हमें दिया हुआ है ये स्पीड का दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो उनका क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें बहुत ही इजी है इसका आंसर, इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो यू विल गेट टाइम का रेशियो 3/2, दिस इज द ट्रिक। इसका मतलब अगर आपको स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो दे दिया जाए और आपसे पूछे कि टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो क्या होगा तो इन दोनों का रिवर्स होगा, S2/SP, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैन 1 और मैन 2 इन दोनों की स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम टेकन बाय देम इन दोनों के द्वारा कितना समय लगा बाय देम उसका रेशियो क्या होगा, तो आप मुझे आंसर बताइए।
हालांकि मुझे मालूम है आपने इसका आंसर गैस कर लिया है, दैट इज 4/5, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ओके, 7 ट्रिक वी हैव डन सो फार, मजेदार। गाइस ट्रिक नंबर 8 देखिए आपके सामने आ गई। पहले समझते हैं इसका सिनेरियो। सपोज करो ये कोई प्लेस है ए और ये कोई प्लेस है बी, ठीक है। कोई मैन है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो यहां से यहां जाने के लिए एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को पकड़ रहा है, ठीक है, ए से बी जाने के लिए। तो वो टी मिनट मतलब टी वन टाइम लेट हो जाता है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम रही होगी तो वो टी वन टाइम लेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो बंदा वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, तो वो टी टू टाइम अर्ली पहुंच जाता है, मतलब टी टू टाइम जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ ए बी कितना था, एक्चुअल डिस्टेंस आपसे मांग रहा है। तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहां आएगा दोनों स्पीड का मल्टीपल, ब्रैकेट में आएगा दोनों टाइम का एडिशन, ठीक है, और अपॉन में आएगा इन दोनों का डिफरेंस वाई माइनस एक्स। तो दिस इज द ट्रिक, ये आपको याद रखना है। एक बार सिनेरियो फिर सुन लीजिए। एक बंदा ए से बी मतलब प्लेस ए से प्लेस बी जा रहा है इतनी स्पीड पर, तो वो टी वन लेट पहुंच रहा है, इतना मिनट या इतना आवर लेट पहुंच रहा है, और अगर वो वाई किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है तो इतना टाइम जल्दी पहुंच रहा है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस थी। तो याद करने का तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहां पर इन दोनों का एडिशन, और डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस y माइनस x। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है, ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे। न्यूमेरिकल इसका एक बार देख लेते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। देखिए जी न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया। राहुल कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, यानी हाउस और ऑफिस के बीच की बात हो रही है, ऑलराइट, विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू मुझे 20 दे दी गई है, ओके, एंड रीच 2 आवर लेट। टी वन मुझे 2 दे दिया गया है, मतलब 2 आवर लेट हो जाता है। ही कवर सेम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू मुझे दे दी गई 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो ऑफिस वो जल्दी ही पहुंचेगा ऑफकोर्स। तो यहां पर लिखा हुआ है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, देन रीच 1 आवर अर्लियर, तो एक घंटा पहले वो पहुंच जाता है। ध्यान रखना सब कुछ आवर में होना चाहिए, अगर किलोमीटर आवर में, मान लीजिए ये आवर, ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट में दिया हुआ है, तो आप इसे आवर में कन्वर्ट कीजिए बाय डिवाइडिंग 60, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए उसके ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो दिस इज द फॉर्मूला, आप इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल दीजिए, लाइक एक्स इंटू वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1000, एक्स टी वन प्लस टी टू, इन दोनों का एडिशन, ये आएगा 3, अपॉन वाई माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस, ये कितना आएगा आपका 30, तो 3 से करेंगे इतना आएगा, इससे करेंगे इतना आएगा 100, तो 100 किलोमीटर इज द आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन केस अगर आपको यहां पे टाइम मिनट्स में दिया होता तो उसको आप मिनट में चेंज कर लेते, अगर ये टाइम आपको मिनट में दिया होता तो आवर, इसको मतलब कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन या तो आवर्स आवर्स में होना चाहिए और या पूरा क्वेश्चन मिनट मिनट में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, ये ट्रिक भी अच्छे से नोट करें, ठीक है। तो एक्स न्यूमेरिकल को एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ लो और ट्रिक अपने दिमाग में सेट कर लो। गाइज नेक्स्ट देखते हैं, इसी के टाइप का कुछ है बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यहां पर देखो क्या है कि ए से हमें बी प्लेस पे जाना है, पहले आप समझो स्नैरियो को, ठीक है। ए से बी प्लेस पे हमें जाना है, एक कोई मैन है, कोई पर्सन है, वो अपनी स्पीड रखता है एक्स किलोमीटर पर आवर, और यहां जाने के लिए जब वो जाता है तो टी वन मिनट लेट हो जाता है। अगली बार वो सोचता है यार मैं लेट हो गया तो मैं अपनी स्पीड को वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा देता हूं, लेकिन स्टिल वो टी टू मिनट फिर लेट हो जाता है, यानी उसे स्पीड और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस बता दो ए और बी के बीच में कितनी है। तो आप ध्यान रखें इसका फॉर्मूला, यहां आएगा दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है, और यहां आएगा दोनों स्पीड का एडिशन, और यहां आएगा दोनों स्पीड का रेशियो। एक्स पहली वाली स्पीड ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे। तो ये ट्रिक आप याद रखें, पहले वाले सिनेरियो से काफी डिफरेंट है केस, लेकिन वही है। यहां पर दोनों बार वो लेट हो रहा है, पिछले वाले में एक बार लेट हो रहा था, एक बार जल्दी पहुंच रहा था, ठीक है। फिर सुन लो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बंदा एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी स्पीड को रखता है, टी वन टाइम लेट पहुंचता है, दोबारा वो सोचता है लगो आओ मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूं, स्पीड को उसने बढ़ाया, स्टिल वो लेट हो जाता है, तो हमसे डिस्टेंस मांग रहा है ए बी की। तो दिस इज द फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस
दोनों का स्पीड का एडिशन और यहां पे दोनों का रेशियो। ठीक है, न्यूमेरिकल लेते हैं, बिना न्यूमेरिकल के आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले को लिखा रहने देते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया न्यूमेरिकल। अ मैन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीच हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। यहां पे ध्यान रखना मिनट का भी चक्कर आ रहा है गाइस। ठीक है, यहां मिनट का भी चक्कर आ रहा है क्योंकि देखो इसने स्पीड तो दी हुई है हमें कितना 20 किलोमीटर स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, ये सारा पर आवर में, और वो लेट हो जाता है कितना गाइस, कितना हो रहा है लेट, 30 मिनट वो लेट हो जाता है। ठीक है, ये मिनट है और ये आवर है, ये भी आवर में होना चाहिए। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। वाई आ गया हमारे पास कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर आ गया वाई की वैल्यू, इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। और इसमें लिखा हुआ है बट स्टिल ही रीच लेट बाय 10 मीटर। और टाइम टू, वो 10 मीटर नहीं 10 मिनट, 10 मिनट फिर भी वो लेट हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, ठीक है, मतलब यहां पर ए और बी को होम और ऑफिस बोला गया है। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। T1 हमारा कितना है 30, T2 हमारा कितना है 10। लेकिन देखो ये मिनट है, ये मिनट है, ये सारे मिनट है और ये आवर है, तो इस मिनट को ना आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है, आपको मालूम होगा कि 30 मिनट को अगर आवर बनाना है तो 60 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो आवर 1/2 आवर बन जाता है। तो ये बात आपको अलग से ध्यान रखनी है, ट्रिक का पार्ट नहीं है ये, अलग से ध्यान रखनी है। यहां आएगा इन दोनों का एडिशन, तो इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 24। यहां आएगा इन दोनों का रेशियो, ऊपर बड़ा वाला रखते हैं नीचे छोटा वाला, यू विल गेट व्हाट रिजल्ट, दैट विल बी 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर की डिफरेंस रहेगा होम और ऑफिस में। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से सीखना है, लेकिन ये ध्यान रखें टाइम का कन्वर्जन यहां पे हुआ है, जो कि ट्रिक का पार्ट नहीं था। अच्छे से इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर दोबारा पढ़ लें, न्यूमेरिकल मनी मन में सॉल्व कर लें, कॉपी पेन की तो जरूरत ही नहीं है, मनी मन में सॉल्व हो जाएगा ये। गाइस देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए ये एक पुलिसमैन है, हमारे पास एक पुलिसमैन है, बहुत ही जांबाज, छोटा भीम, छोटा पुलिसमैन कह सकते हैं इसे, और ये कोई थीफ है, ये कोई चोर है। ठीक है, ये चोर है, चोर की गर्दन बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं। और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई एक्स मीटर। ठीक है, पुलिस वाले ने देखा कि जो थीफ है ना, ये कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, लाइक स्नैचिंग वगैरह कर रहा है, तो पुलिस वाला इसके पीछे भागा। चोर आगे आगे भाग रहा है, पुलिस वाला पीछे पीछे भाग रहा है। चोर की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड की है, पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड की है। ऑफकोर्स पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी देन द चोर, रीजन अगर इसकी स्पीड कम होगी तो ये इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में गैप है। ओके, तो यहां पर आएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां पर यह आएगा कि भाई इस पुलिस वाले ने इस थीफ को पकड़ने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, एक्स हमारी ओरिजिनल जो गैप था वो, इनटू में ए चोर की स्पीड अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज बी माइनस ए। तो ये ट्रिक आप याद रखें और इस तरह के न्यूमेरिकल को आप बना पाएंगे। देखो एग्जामिनर स्नैरियो कुछ भी बना सकता है, यहां पर पुलिस और थीफ का बनाया, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए न्यूमेरिकल समझते हैं, तभी ये आपको समझ में आएगा ट्रिक, लेकिन आप अपने ध्यान रखें। तो आइए जरा देख लेते हैं क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, अ पुलिसमैन सी अ चेन स्नेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 50 मीटर, बहुत अच्छी बात है। आगे एंड स्टार्ट चेजिंग हिम, ओके, स्नेचर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो गई चोर वाले की, चोर की, और पुलिसमैन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, बी की वैल्यू मीटर पर सेकंड। भाई पुलिस वाले को अपनी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। तो इसने मांगा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर ही वॉज कॉट, कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब कितनी दूरी तक वो भागा, ठीक है, पकड़ने से पहले कि इतनी दूरी तक भागा फिर मैंने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। तो उसका ट्रिक आपको मालूम है, एक्स था ऊपर ए था नीचे बी माइनस ए था, तो बताइए एक्स कितना है 50, ए कितना है गाइस 2, और नीचे क्या है इन दोनों का डिफरेंस, हमेशा बड़े में से छोटे को लेस करते हैं 2, कंट्रीब्यूट करेंगे तो 50, तो 50 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, पहले इसका न्यूमेरिकल देखेंगे उसके बाद हम ट्रिक बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, न्यूमेरिकल आप यहां पर देखिए जरा, इसने लिखा हुआ द स्पीड ऑफ 2 कार ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन
आर 50 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, ठीक है, यानी दो कार है, कार नंबर ए और कार नंबर बी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है, ये इधर भाग रही है और ये इधर भाग रही है, इसकी स्पीड है हमारी कितनी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है, और इसकी स्पीड है हमारी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो इसने हमसे कहा है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। देखो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी और आपसे रिलेटिव स्पीड पूछे, रिलेटिव स्पीड, तो ध्यान रखना इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, 50 प्लस 60 यानी 110 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक नोट बन गया, ठीक है। ये तो इसका हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन का, कि जब भी दो कार अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, कार हो, पर्सन हो, ट्रेन हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी भगेंगी और रिलेटिव स्पीड पूछेगा तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपने न्यूमेरिकल देख लिया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में ये भागती, यानी कोई भी दो कार या कोई भी दो पर्सन सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई स्पीड से, अलग अलग दोनों की स्पीड है, तो अगर आपसे रिलेटिव स्पीड पूछे, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन की, तो ध्यान रखना माइनस करके आंसर निकाला जाता है, एक्स माइनस वाई, एक्स बड़ा होगा, अगर वाई बड़ा होगा तो वाई माइनस एक्स होगा, हमेशा बड़े में से छोटे को लेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेम का, और अगर मान लो अपोजिट का है, तो अपोजिट का तो आपने अभी अभी देख ही लिया कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो आदमी या दो कार या दो ट्रेन भाग रही है और आपसे रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, तो उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम आ जाता है, बहुत ही आसान है, सेम डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, तो लेस कर दो बड़े में से छोटा, अपोजिट हो जाए तो दोनों को ऐड कर दो, ऑलराइट। तो प्लीज इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लें और इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें, रिलेटिव स्पीड वाले को। देखिए गाइस एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक बनाएंगे। मान लीजिए एक डिस्टेंस है, सपोज करो ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, कोई कार ए है सपोज करो यहां पे, या कुछ और नाम उसको रख देते हैं, कोई कार पी है, ओके, और इस पॉइंट पे कोई कार है बी या क्यू बोल देते हैं क्योंकि बी तो ऑलरेडी है भाई, यहां से कोई कार निकली, ठीक है, एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस से, या फिर छोड़ो छोड़ो, यहां से कोई कार निकली और यहां से भी कोई कार निकली, ओके, इस कार ने ए से लेके बी पर पहुंचने के लिए टी वन का समय लगाया, टी वन टाइम लिया, और इस कार ने बी से ए पर आने के लिए टी टू का टाइम लगाया, दोनों का टाइम हमें दिया हुआ है यहां पर, तो हमसे मांगेगा कि भाई रेशियो बता दो मुझे स्पीड ऑफ पी और स्पीड ऑफ क्यू की, यानी दोनों कार की रेशियो बता दो। तो इसकी ट्रिक देखो ये बन के आएगी, यहां आएगा टी टू, यहां आएगा टी वन और अंडर रूट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये स्नैरियो समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल समझते हैं इसके ऊपर। एक बार फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं, कोई कार पी है जो ए से बी पर जाने के लिए टी वन का समय लगाती है, कोई कार क्यू है जो बी से ए पर जाने के लिए टी टू का टाइम लगाती है, ठीक है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कार एक दूसरे को मिलेंगी, देखो इस पॉइंट पे ये कार एक दूसरे को मिल चुकी है, ओके। तो इसने हमसे कहा है कि दोनों कार की स्पीड का रेशियो बताओ और टाइम हमें दिया हुआ है, तो दोनों कार की स्पीड का रेशियो होगा अंडर रूट टी टू डिवाइड बाय टी वन, ठीक है। न्यूमेरिकल समझते हैं वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सिनेरियो से। तो देखिए एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया, इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए, सिनेरियो हमारा वही है, ठीक है, दे रीच, ओके, बी दे रीच, कहां है कहां क्वेश्चन भाई, दे रीच बी एंड ए रिस्पेक्टिवली 9 मिनट और 4 मिनट, यानी टी वन मुझे दे दिया गया 9 मिनट और टी टू मुझे दे दिया गया 4 मिनट, अच्छी बात है। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो भाई ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डालो टी टू कितना है 4, ये कितना है 9, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, तो 2/3 यानी 2:3 विल बी माई रिजल्ट, ठीक है। तो स्नैरियो आपने देखा, न्यूमेरिकल आपने देखा, एक बार न्यूमेरिकल को फिर देख लो और कॉन्सेप्ट को याद रख लो हमेशा के लिए। ये थे हमारे इसके अंदर न्यूमेरिकल टाइम डिस्टेंस के ऊपर, जितनी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है अच्छे से इनका आप नोट्स बना लीजिए, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर रहेंगे हमारे क्वेश्चन ट्रेन्स के, ठीक है। तो वेट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।